किसान भाइयों, अंकल जी कुछ हमारे युवा पीढ़ी के लिए संदेश देना चाहोगे? जैसा कोई गांव की ज़मीन छोड़ कर भाग जाते हैं, किसी को शहर में मकान बनाओगे, गांव को छोड़ो शहर में चल ले, कुछ कहना चाहोगे जी? हाँ कहना चाहोगे भाई, मरसल ऐसा है जी जी, ये अपनी शिक्षा का दौर चल रहा जी जी, जिन परिवारों में संस्कार नहीं है जी जी, ज़्यादातर वे कर रहे जी जी, ये तो है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना बहुत ज़रूरी। हाँ जी, अच्छा जी, या तो ऐसा काम कर चलो जो पहचान बन जा जी जी, कदम ऐसे चलो जो निशान बन जा, ये तो है जी, ये नहीं मानते इस बात को जी जी, तो अपनों की जो परमात्मा ने हमें जो धरोहर दी है ये तो जिंदा रखनी पड़ेगी जी जी, नाम इससे ही होगा, बाहर चले गए शहर में मकान बना लिया, कोई कहीं का कोई कहीं का, हाँ जी, कोई नहीं पूछता शहर में, कोई पूछता नहीं जी जी। अच्छा, अकेला दुकेला है, नौकरी पैसे वाला है, उसकी तो मजबूरी है जी जी, नहीं तो उसे भी गाँव से टच रहना चाहिए जी जी, अपने परिवार जी जी, अपना समाज जी जी, देखो इसमें रहने में बहुत कुछ शिक्षा मिलती है जी जी, हम तो ये कहें बच्चे चलो अच्छी बात है, शिक्षा का दौर है, शिक्षा होनी बहुत जरूरी, घर में संस्कार होने बहुत जरूरी जी जी, बाहर जा रहे हैं लेकिन टच में रहना चाहिए, टच में रहना चाहिए भाई, हफ्ते में दो दिन की छुट्टी मिले सरकारी भी जी जी, और प्राइवेट भी जी जी, 5 दिन ही तो काम कर रहे जी जी, उसमें जो है अपने समाज को अपने गाँव को भी टाइम देना चाहिए। ये तो है अंकल जी, हाँ को देख सकते हैं, घोड़ी है जी सफेद, क्या नाम रख रखा है इसे? गंगा, गंगा नाम किया है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ इधर से, ठीक है, ये देख लो भाइयों, घोड़ी है, एक बच्चा उधर बन रहा है, ठीक है, ये कौन सी नस्ल होगी अंकल जी? क्या मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी नस्ल की है जी, और इधर साइड में ये चारा है इसका, चारा खाने के लिए अलग से बना रखा है, देखो देख लो जी नखरे इसके, ठीक है, और इनका अलग ही ठाट बाट है भाइयों, ये यहाँ पे हमारे अंकल जी का ये घेर है, जैसे कि गाँव देहात में घर अलग होता है, घेर अलग होता है, ठीक है जी, और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, दो दो ट्रैक्टर है जी, एक ट्रैक्टर महिंद्रा का है 575 DI, और दूसरा जो ट्रैक्टर है फार्म टैक्स 60, ठीक है, और इधर साइड में गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, और इधर साइड में जो है ये इनके यहाँ पे पीड़ा है, ठीक है, स्प्रे करने की मशीन है जी, ये देख लो भाई, ये इनके गाड़ी ट्रैक्टर, ठीक है, और ये बैल देखो कितनी अच्छी लग रही जोड़ी, जय वीरू की जोड़ी, ये देख लो भाइयों कितनी सुंदर जोड़ी है जी, ये भी हमारे अंकल जी के हैं, ठीक है, और इधर से इनकी भैंसें देख लो जी, ये देख सकते हैं आप सभी, हमने आपको दिखाई, ठीक है, ये देख सकते हैं भाई, देखो बढ़िया है, बस बैठ जा, काटती ना है, सीधी है बिल्कुल, ये देखो भाई ऐसी होना चाहो भाई घर में पशु, ठीक है, ये देख लो सफ़ेद है, गंगा नाम बता रहे हैं, और लगभग अभी ये ब्याने वाली है, ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों, और इसके लिए अलग से बनवा रखा अंकल जी ने, ये इसमें रहती है, और उसके लिए चारा खाने के लिए अलग से ये है, ठीक है, ये देख लो जी, अलग ही ठाट बाट है जी हमारे अंकल जी के। तो दोस्तों मैंने सुना जी, जैसे आपके पिताजी थे उनका काफ़ी नाम था आसपास के क्षेत्र में, नाम चलता था जी, नाम तो परवाड़े का, काफ़ी कुछ नाम कमा के गए हैं वो आपके लिए, जो ये कृषि यंत्र ये बब्बर जी के टाइम से, सब उन्हीं के हैं, सब उन्हीं के टाइम से, हम रखवाड़ कर रहे जी, सेवा कर रहे जी, कुछ बात जो तुम्हें कहते हो बेटा ऐसे काम चलना आ गया, ऐसे खेतीबाड़ी करनी है, कोई बता सको जो हमारे किसान भाई? उन्होंने कहा था चार आदमियों के हाथ काम में तो हाथ ना सकोड़ियो जी जी, अपने खर्चे में जो है कटौती कर लियो, लेकिन चार आदमियों के समाज का कहीं खर्चा आ जाए उसमें हाथ पीछे ना हटाइयो जी जी, भाई यही उनका नक्शे कदम थे, यही हमारे जी, तो आप उनके कदमों पर चल रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। जैन साथियों नमस्कार भाइयों, तो किसान भाइयों आज हम आए हुए धर्मपाल जी के मकान पर, जो कि रहने वाले कसमपुर खोला गाँव के हैं, और सबसे बड़ी बात भाइयों इनके घोड़ी है, बैले हैं नागौरी नस्ल के, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है, अभी ये घोड़ी लाए हैं, ठीक है, सफ़ेद कलर की, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये इसका बनाया अलग से, ठीक है, अलग ही ठाट बाट है, ठीक है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे अंकल जी बैठे हैं, एक बार इनका परिचय ले लें, फिर मैं आपको इनके जो पशुधन है वो आपको दिखाऊँगा। नमस्कार अंकल जी, तो एक बार किसान भाइयों को थोड़ा सा परिचय दे दो अंकल जी अपना। मेरा नाम श्याम सिंह जी, पिताजी का नाम जी श्री धर्मपाल सिंह, ग्राम कासमपुर खोला, जिला मुजफ्फरनगर जी जी। तो जो मैं ये घोड़ी देख रहा हूँ जी, लगभग कितने महीने हो गए उनसे लाए हुए? लाए हुए 6 महीने हो गए। 6 महीने, अच्छा, तो ये जो शौक है आपके पिताजी के टाइम से चला रहा है? बस पिताजी का। अच्छा, पिताजी को शौक था कभी पहले? हाँ बस हमें लग गया फिर। अच्छा, जैसे बात करें तो घुड़सवारी की कर लेते हो घर में? सभी कर लेते हो? हाँ हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे अंकल जी हैं, ठीक है जी, और ये इनका घेर है पूरा का पूरा, उधर साइड में आपका रहन सहन है जी, हाँ जी, और इधर ये नागौरी नस्ल है, ये नागौर से लोगे अंकल जी? जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं घोड़ी है जी सफ़ेद, क्या नाम रख रखा है इसे? गंगा, गंगा नाम किया है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ इधर से, ठीक है, ये देख लो भाइयों, मैंने परिचय करवा दिया, हमारे अंकल जी हैं जिनके घोड़ी है, एक बच्चा उधर बन रहा है, ठीक है, ये कौन सी नस्ल होगी अंकल जी? क्या मारवाड़ी, मारवाड़ी,
मारवाड़ी नस्ल की है जी। इधर साइड में ये चारा है इसका, चारा खाने के लिए अलग से बना रखा है, देखो देख लो जी नखरे इसके, ठीक है। और इनका अलग ही ठाट बाट है भाइयों, ये यहाँ पे हमारे अंकल जी का ये घेर है, जैसे कि गांव देहात में घर अलग होता है, घेर अलग होता है, ठीक है जी। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, दो दो ट्रैक्टर है जी, एक ट्रैक्टर महिंद्रा का है 575 DI और दूसरा जो ट्रैक्टर है फार्म टैक्स 60, ठीक है। और इधर साइड में गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है। और इधर साइड में जो है ये इनके यहाँ पे पीड़ा है, ठीक है, स्प्रे करने की मशीन है जी, ये देख लो भाई, ये इनके गाड़ी ट्रैक्टर। किसान भाइयों, आज मैं कसमपुर खोला गांव में आया और जस्ट इधर साइड में ट्रॉली है, ठीक है, ये देख सकते भाइयों, ये इनके कृषि यंत्र हो गए, ठीक है। और इधर साइड में इनके कृषि यंत्र है जी, यहाँ पे बैलों का जुआ भी है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखो भाइयों, ये बैलों का जुआ और ये कृषि यंत्र इन्हीं के हैं हमारे अंकल जी के, ठीक है। और जस्ट इधर साइड में आपको दिखा दूँ, एक बच्चा इधर भी बन रहा है, ठीक है, तो ये देख लो भाइयों। तो भाई हम तो ये चाहते हैं जो हमारे भाई है गांव की ज़मीन ना छोड़े और गांव में ही अपना रहे, ठीक है। ये देख लो भाइयों, ये बच्चा है जी, ये कह रहा जी बस बैठ जा, तो अलग ही ठाट बाट है भाइयों। और क्षेत्र के नम्मी किसान हैं और पशुधन काफ़ी है भाइयों, नागौरी नस्ल के बैल है जी, ये देख सकते हैं, ये देखो भाई, ये अंकल जी ने बताया कि ये नागौर से लिए थे इन्होंने, ठीक है। और गाय भी है, ये देखो भाई, इधर साइड में गाय हैं, ठीक है, ले ले, ये देखो भाई। और मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं घर में, ठीक है, सारी जो भैंसें हैं बढ़िया भैंसें हैं, लगभग 18 लीटर वाली है, ठीक है, अलग ही ठाट बाट है जी। ये अंकल जी के पशु हो गए जो कि हमने दिखाया, और उधर साइड हमारे अंकल जी का रहन सहन है जी, ठीक है। तो दोस्तों, ये आज मैंने आपको दिखाया अंकल जी का अलग ही ठाट बाट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात देखो भाई, अपने जो पशुधन की गौर रखते हैं, सबसे बड़ी बात देखो, भैंसों के सींग पे भी तेल लगा रखा, देखो भाई, और सारी जो भैंसें हैं बढ़िया ही भैंसें हैं मुर्रा नस्ल की, ठीक है, ये देख लो जी। तो हम तो ये चाहते हैं जो हमारे भाई है अपने जो पशुधन है उसकी देख रेख रखे, जब भी चलाया भाई काम, ठीक है। और ये बैल देखो कितनी अच्छी लग रही जोड़ी, जय वीरू की जोड़ी, ये देखो लो भाइयों कितनी सुंदर जोड़ी है जी, ये भी हमारे अंकल जी के ही हैं, ठीक है। और इधर से इनकी भैंसें देख लो जी, ये देख सकते हैं आप सभी, हमने आपको दिखाई। तो दोस्तों, ये अंकल जी अभी लाए हैं इसी वाली घोड़ी को, मैं अभी जिक्र कर रहा था आपसे, ठीक है, ये अभी ली है, इनके पास बहुत सारी घोड़ी रह चुकी है, ठीक है, ये देख सकते हैं भाई, देखो बढ़िया है, बस बैठ जा, काटती ना है, सीधी है बिल्कुल, ये देखो भाई, ऐसी होना चाहो भाई घर में पशु, ठीक है, ये देख लो सफ़ेद है, गंगा नाम बता रहे हैं, और लगभग अभी ये ब्याने वाली है, ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों। और इसके लिए अलग से बनवा रखा अंकल जी ने, ये इसमें रहती है, और उसके लिए चारा खाने के लिए अलग से ये है, ठीक है, ये देख लो जी, अलग ही ठाट बाट है जी हमारे अंकल जी के। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये कृषि यंत्र मैंने आपको दिखाए, और भाइयों अपने क्षेत्र के नम्मी किसान हैं जी, ठीक है जी। और जो घर में चीज़ होनी चाहिए, सारी ज़रूरत का सामान है, खेती बाड़ी का सामान है जी, जो कि हर किसान की ज़रूरत का सामान है। इधर स्प्रे करने की मशीन होगी, और दो दो ट्रैक्टर है जो कि खेती के राजा कहे जाते हैं, फार्म टैक महिंद्रा, इनसे बढ़िया ट्रैक्टर मुझे नहीं लगता भाई कोई भी हो, ठीक है जी। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे बब्बा जर के टाइम का बना हुआ है, काफ़ी पुराना है ये, बब्बा जर के टाइम का है, काफ़ी पुराना, ठीक है। ये देखो भाई, किवाड़ भी कभी पहले ही है बब्बा जर के टाइम के, और ये देख सकते हैं इस प्रकार के कमरे हैं, ठीक है। और ये खाटे यहाँ पे बब्बा जर के टाइम का हुक्का रखा है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। और भाई एक बैठक भी है, जैसे कि जैसे कोई बाहर का भी आदमी आता है, कोई दूर का भी आदमी आता है, ये बैठक बनवाई हुई है, ये देख लो जी। और यहाँ पे हमारे बब्बा जी का फोटो है ये, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बब्बा जी हमारे बैठे हैं मोड़े पे, और बब्बा जी के टाइम से ही शौक बरकरार रखा हुआ है अपनी। खाट देखो कितनी बढ़िया है जी, ठीक है। और इनका एक फ़ोटो है जो कि इनको सम्मानित किया गया था, बैल का शौक कहीं कभी पहले से ही है। और देखो भाई एक फ़ोटो ये रहा जी, यहाँ भी बैल है, ठीक है। और इनको सम्मान के रूप में शील्ड वगैरह ये सभी मिले हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये बैठक थी जो कि मैंने आपको दिखाई, जैसे कोई बाहर का भी आदमी आता है तो यहीं पे आके बैठते हैं, और बब्बा जी हर के टाइम से ही ये बैठक है, ठीक है। ये देख लो कितनी सुंदर बैठक है जी, और खाटे मैंने आपको दिखा दी। उधर साइड में बब्बा जी हर का फोटो है, जो कि बब्बा जी हर के टाइम से ही बनवाया था इन्होंने। और ये हुक्का देखो भाई, बब्बा जी हर के टाइम का ही है, ये देख लो जी, किसानों का ठाट हुक्का,
भाई हो रही खाट, ठीक है। तो ये अपने अपने शौक होते हैं भाइयों, ठीक है जी। और जस्ट इधर साइड में भी कमरे हैं जो कि बब्बा जी के टाइम की है कभी पहले, ठीक है। तो भाइयों आज मैं अंकल जी के मकान पे आया तो मैंने आपको ये अच्छे तरीके से दिखाया। और सबसे बड़ी बात, ये जो बैल वगैरह ये शौक है बब्बा जी के टाइम से इन्होंने बरकरार रखा हुआ है, और जो घोड़े का जो शौक है वो बब्बा जी के टाइम से ही है, और जो मैंने आपको बैल दिखाए नागौरी नस्ल के वो भी बब्बा जी के टाइम से ही अपना शौक बरकरार रखा हुआ है, ठीक है। और भाइयों बड़ा अच्छा लगा आज, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आज हमारे अंकल जी का मैंने आपको ये मकान दिखाया, ठीक है। तो हम तो ये चाहते हैं हमारे किसान भाई है भाई अपने जो बब्बा जी की जो ज़मीन है उसको बरकरार रखे, और जो अपना जो गांव की जो ज़मीन है उसको छोड़ के ना जाओ कि किसान आदमी, ठीक है। तो किसान भाइयों इस वीडियो को शेयर कर दियो किसान भाइयों। अंकल जी कुछ हमारे युवा पीढ़ी के लिए संदेश देना चाहोगे, जैसा कोई गांव की ज़मीन छोड़ कर भाग जाते हैं, इनको शहर में मकान बनाओगे, गांव को छोड़ो शहर में चल ले, कुछ कहना चाहोगे? हाँ कहना चाहोगे भाई, मरसल ऐसा है जी जी, ये अपनी शिक्षा का दौर चल रहा जी जी, जिन परिवारों में संस्कार नहीं है जी जी ज़्यादातर वे कर रहे जी जी, ये तो है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी अच्छा जी, या तो ऐसा काम कर चलो जो पहचान बन जा जी जी, कदम ऐसे चलो जो निशान बन जा, ये तो है जी। ये नहीं मानते इस बात को जी जी, तो अपनों की जो परमात्मा ने हमें जो धरोहर दी है ये तो जिंदा रखनी पड़ेगी जी जी। नाम इससे ही होगा, बाहर चले गए शहर में मकान बना लिया, कोई कहीं का कोई कहीं का, कोई नहीं पूछता शहर में, कोई पूछता नहीं जी जी। अच्छा अकेला दुकेला है नौकरी पैसे वाला है उसकी तो मजबूरी है जी जी, नहीं तो उसे भी गांव से टच रहना चाहिए जी जी, अपने परिवार जी जी, अपना समाज जी जी। देखो इसमें रहने में बहुत कुछ शिक्षा मिलती है जी जी। हम तो ये कहें बच्चे चलो अच्छी बात है, शिक्षा का दौर है, शिक्षा होनी बहुत जरूरी, घर में संस्कार होने बहुत जरूरी जी जी। बाहर जा रहे हैं लेकिन टच में रहना चाहिए, टच में रहना चाहिए भाई। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिले सरकारी भी जी जी, और प्राइवेट भी जी जी, 5 दिन ही तो काम कर रहे जी जी। उसमें जो है अपने समाज को अपने गाँव को भी टाइम देना चाहिए, ये तो है अंकल जी। हाँ तो दोस्तों मैंने सुना जी जैसे आपके पिताजी थे उनका काफ़ी नाम था, आसपास के क्षेत्र में नाम चलता था, जी नाम तो परवाड़े का, काफ़ी कुछ नाम कमा के गए हैं वो आपके लिए। हाँ, जो ये कृषि यंत्र ये बब्बा जी के टाइम से सब उन्हीं के हैं, सब उन्हीं के टाइम से हम रखवाल कर रहे जी, सेवा कर रहे जी। कुछ बात वो क्या कहते थे बेटा ऐसे आगे बढ़ो ऐसे आगे चलना है, कुछ याद आती हो कुछ बता सको? सब उन्हीं के नक्शे कदम, 24 घंटे में एक बार जरूरी बात याद कर लें हम उनकी एक बात जी। कुछ बात जो तुम्हें कहते हो बेटा ऐसे काम चलना आ गया, ऐसे खेतीबाड़ी करनी है, कोई बता सको जो हमारे किसान भाई? हाँ उन्होंने कहा था 4 आदमियों के हाथ काम में तो हाथ ना सकोड़ियो जी जी, अपने खर्चे में जो है कटौती कर लियो लेकिन 4 आदमियों के समाज का कहीं खर्चा आ जाए उसमें हाथ पीछे ना टाइयो जी जी। भैया ही उनका नक्शे कदम थे यही हमारे जी। तो आप उनके कदमों पे चल रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, जो आगे आपके बच्चे हैं उनको भी शिक्षा दे रहे हो कि बेटा? ये ट्यूशन है जी, शाम को 1 घंटे बच्चे सब बैठते हैं पास में। तो जैसे बाबा जी की बरसी वगैरह मनाई जाती है जैसे? बस हमन करवाते हैं जी बस एक। अच्छा हमन हर साल हम हमन करवाते हैं, हर साल करवाते हैं उनकी? हर साल हमन करवाते हैं जी। हाँ तो आसपास के जैसे परिवार के लोग आते होंगे? बस ज़्यादा वो नहीं, बस हमन हमन जी जी। हाँ तो जैसे मैंने काफ़ी गांव में सुना है कि बब्बा जी का इतना नाम था उस टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, अब भी ऐसी है, और 11 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं, हुक्का पियो जहाँ अपना बात करो जहाँ समाज की। जी जो हुक्का देख रहा हूँ बब्बा जी का, ये 2008 में लाए थे जी बनवा के बब्बा जी। हाँ दोस्तों ये बब्बा जी के टाइम का हुक्का है, और ये देख तो हम ही बनवाओ जहाँ इसका हर साल जी जी, और ये नीचे की फर्सी जो है शाहपुर बसी से ही लाए थे जी जी, 2008 की है जी जी, साफ सफाई रखो जहाँ इसकी अपना ठीक है जी बढ़िया। तो क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत है ना जी जी, यदि हम पिया नहीं करे थे इसे हुक्के को जी जी, तो खेती एक्सपायर हो गए। हाँ जी हाँ जी, हमने सोचा मगर यार ये उठा कर रख दिया तो समाज नु कह ले भाई, सही बात है, निशानी रखनी चाहिए अपने जी। तो अभी वे जो लोग बाग सब जुड़े हुए हैं जी जी, कोई ऐसा नहीं है भाई आके हाँ नु कह दे भाई हमें क्वार्ट बंद मिले जी जी, या भाई हमारी सेवा नहीं, हम हो या ना हो जी जी। तो आओ भाव सभी का करते जैसे बस करवा, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हम कोशिश कर रहे जी जी जी। तो अंकल जी बहुत ही अच्छे हैं हमारे, और साथ साथ बात करें तो खेती बाड़ी तो जैसे पिताजी करते आए कभी ऐसी करते आए, बढ़िया वाली चल रही जी खेती में, कोई दिक्कत नहीं, देने वाला परमात्मा कर्म कर रहे पूरा बढ़िया जी जी। मैं अंकल जी ये देख रहा हूँ जैसे नागौरी नस्ल के बैल ये घोड़ी पौड़ी ये सब आपके पिताजी के टाइम से बरकरार है? वहीं से हैं जी, बस यो है इनमें सब पुराने हो जा बदलते हैं जी, लाओ जहाँ हैं जी, मैं साथ घूमा उनकी मेलों में भी गया जी जी, तो थोड़ा सा अनुभव है, अपना दे दें और लिया हुए हैं। अच्छा बैल लोग जैसे तंगे में लेके जा रहे बैल हैं?
कहीं खेत से कहीं घुमाने नहीं गए, खेत का और घेर का ही शौक रहा आज खुट्टे का। जी जी अंकल जी। हाँ, कहीं नहान में नहीं गए, रेस में नहीं गए, मेले में नहीं गए। ये तो है। कटड़ा एक से एक टॉप रखा, बैल भी, भैंस भी, सब बढ़िया। भैंस पहले बहुत ज्यादा रही होगी, बहुत बढ़िया, 25-25 भैंस रह रही थी मतलब। तो दोस्तों खोर भरी रह रही थी पहले, बहुत बड़ी खोर गई थी। और बब्बा जी के टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा पशुधन थे, ठीक है। और जब तो नलकों से पानी चला कर रहा था। जी, नलके चला कर रहा था उस टाइम पे, सेवा आया कर रही थी, पानी उन्हीं पिया कर रहे थे। जी जी। अब तो ट्यूबवेल लग गया, अब तो ये 100 डंगरों वे भी किसान को कम है। हाँ जी, लेकिन तो कहानी क्या होगी, अब हमें बढ़िया कपड़ा पहनना जी, है जी, स्टैंडर्ड में रहना जी जी। और लोगों ने स्टैंडर्ड बढ़ा लिया अपने, और करने को है नहीं, वही बात है, डूबेंगे 3 जना। हाँ जी, पूंजी कम व्यापार घना, यो तो अंकल है जी। हाँ जी, अच्छा जी, डूबेंगे 3 जना तो जोर कम गुस्सा घना, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। अपना जैसे बब्बा जी अपना, तो अपना जो है उतने पैर पर रहो। हाँ, जितनी चद्दर हो बाहर ना लिख रहे तो भी अच्छा। यो देखो भाई, बहुत ही बढ़िया बात कह दी अंकल जी ने। और ऐसा ही होना चाहिए इंसान को। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई बाहर का भी आदमी आता है तो उसका भी आव भाव करना चाहिए अपनी बैठक पर, कोई आदमी सबसे बड़ी बात। और जो अंकल जी बखूबी निभाते हैं, अपने पिताजी के कदमों पर चल रहे हैं, तो भाइयों इनसे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अंकल जी बात करें तो आपने जो घुड़सवारी थी कब सीख ली थी, कितने साल के हो? सन 2008 में सीख ली थी, 80 का मेरा जन्म है। 80 का, उस टाइम पर आपकी उम्र कितनी रही होगी? मेरी अब लगा लो तो 180, 20 और 28 साल। 28 साल में मतलब आपने घुड़सवारी सीख ली थी? सबसे पहली घोड़ी लाए थे हम। अच्छा, वो कैसे कलर की होगी? जैसी वो है पल्ले वाली। अच्छा, मतलब थोड़ी मैट कलर की थी। जी जी, उसी पे भी लाकर अपनी पे बैठे थे, आज तक किसी के पे नहीं बैठे। जी जी। तो जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे आपके इतना सारा कृषि यंत्र है, ये सब हमारे बब्बा जी के टाइम से है? हाँ जी हाँ, सब कुछ उन्हीं के टाइम से। तो आपका तो जैसे परिवार वाले सब लेके जाते होंगे, जिसे जरूरत है दे दें। हाँ, तो ठीक ठाक आदमी अपना जिसे जरूरत है, गाँव राम हो जी। हाँ जी, देनी भी पड़ा, परिवार वालों के लिए खड़ा भी होना पड़ा है, फिर लेनी भी पड़ा, चीज देनी भी पड़ा। जी जी। तो भाइयों, अंकल जी ने बहुत ही संबंध तो बना कर रखना पड़ा, अच्छी जानकारी दी, और युवा पीढ़ी के लिए और बहन बेटे के लिए भी बहुत अच्छी बात कही कि मेहनत करते रहना चाहिए इंसान। नहीं, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, देगा परमात्मा, इतना वो नहीं है। जी जी, जैसी हमें इच्छा होगी वही देगा, सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो। जी जी। तो भाइयों बहुत ही अच्छा लगा, और किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी बात बताई। तो सारे किसान भाइयों ने राम राम, भाइयों नमस्कार जी, अंकल जी राम राम।